जागते रहो जागते रहो। मनी हाँ, ये पायल की ध्वनि तुझे भी सुनाई दे रही है क्या? मेरी सोच कहती है मुझे भी सुनाई दे रही है, पर कहाँ से सुनाई दे रही है ये पायल की ध्वनि? कहीं भूत तो नहीं? नहीं, महिलाएं हैं। ये इशारा कर रही है ऐसे ऐसे करके कि आओ हमारे पास। चल के देखना पड़ेगा कि ये क्यों बुला रही है। चल चल। अरे भगवान, मुझे तो भय लग रहा है कहीं कोई भूत चुड़ैल ना आ जाए। तो चुप कर बंधु, मैं हूँ ना। अरे मैं नहीं डरता किसी भूतनी डाकिनी शाकिनी प्रेतनी पिशाचनी किसी से भी। रामा, तूने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, किंतु इस समय कौन सी महिला ही यहाँ आएगी? रामा, कहीं भूत प्रेत तो नहीं? तू चुप कर बंधु, चुप कर। अम्मा कहती है कि भूत प्रेत कोई नहीं होते, कोई नहीं होते, है ना गौ माता, है ना गौ माता। भूत बचाओ अम्मा। अरे भूतनी पड़ गई मेरे पीछे, अरे भूतनी पड़ गई। ए गो माता बचाओ मुझे, ए भगवान। अरे बाप रे, अरे अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे प्राण मत लो। मेरी एक बूढ़ी माँ है, एक पत्नी है, मेरे प्राण मत लो, मुझे छोड़ दो। इसमें तो अम्मा की लाठी का स्वाद था। नहीं, ये देख, तेरे सामने तेरी अम्मा ही खड़ी है। चुप कर भूतनी कहेगी। मेरी अम्मा बोल नहीं सकती, मौन व्रत लिया है उन्होंने। बड़ी आई भूतनी कहेगी। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे अपनी पलकी उठा के देख लीजिए, हम हैं। अम्मा, ए शारदा, तुम दोनों यहाँ पे बिल्कुल असली भूतनी बनकर क्या कर रही हो? हम धनी मनी को भयभीत करके भगाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा सुनो, इधर आओ। एक बात कहूँ, तुम दोनों ना एकदम सच्ची वाली असली वाली भूतनिया लग रही हो। बातें बनाना बंद कर और ये बता कि धन अर्जित किया या नहीं? हाँ। अरे कहाँ अर्जित किया अम्मा, गुरुवर ने गौशाला के इतने सारे कार्य सौंप दिए हैं मुझे। ऊपर से यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे बेचकर मैं धन अर्जित कर सकूं। हाँ। दरबार में ये दिखा के उन्हें बता कि तूने धन अर्जित किया है। अच्छा, और क्या कहूँ, क्या बेचकर धन अर्जित किया है? दूध। ये गाय दूध देती ही नहीं है। वाह शारदा महोदया, 2,000 स्वर्ण मुद्राओं में भूसा कौन खरीदेगा? ठीक, कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे कि बेच के तू धन अर्जित कर सके। कुछ नहीं है अम्मा, कुछ भी नहीं है। हाँ,
वो तो पीट सकते हैं ना। आप ये कहते ना कि गायों ने अधिक मात्रा में गोबर कर दिया था, जिसे बेच के आपने ये धन अर्जित किया है। शारदा इधर आओ, तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। मेरा एक संदेश बड़ी महारानी तक पहुंचा देना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। पंडित रामाकृष्ण, आपको शाही तराजू की क्या आवश्यकता पड़ गई, और वो भी राजकीय तराजू? महारानी, तराजू तुम्हें कोई भी मंगवा सकता था, किंतु राजकीय तराजू की तौल एकदम सही होती है और इस पर कोई संदेह भी नहीं करेगा, इसलिए मैंने राजकीय तराजू मंगवाया। पंडित रामाकृष्ण, वो सब तो ठीक है, किंतु हमें ये बताइए कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो आप शाही तराजू में तोलना चाहते हैं? गोबर। क्या? किंतु क्यों? क्षमा करें बड़ी महारानी, किंतु इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए, आप मेरी सहायता करना चाहती थी ना, तो बस ये समझ लीजिए कि इस तराजू की मदद से मैं धन अर्जित करके दिखलाऊंगा। हम आपकी सफलता के लिए गौ माता से प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं नहीं महारानी, कृपया निकट मत जाइए, यहीं से प्रार्थना कर लीजिए। परंतु वो क्यों? इसलिए कह रहा था निकट मत जाइए। वो क्या है, जैसे ही गौ माता पर कोई प्रेम की वर्षा करता है ना, तो ये गोबर की वर्षा कर देती है। उचित कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण। ठीक है, तो आप गोबर तोलिए, हम चलते हैं। जी प्रणाम महारानी। प्रणाम प्रणाम। जिन हाथों से तू गोबर उठा के तौलने वाला है, उन हाथों से मुझे मत छूना रामा। हाँ, नहीं छूऊंगा तुझे। आज तक जीवन में कभी एक बार भी गोबर छुआ नहीं है, और आज इतने सारे गोबर तौलने हैं मुझे। पर तू गोबर तौल के धन अर्जित कैसे करेगा रामा? पांच सेर गोबर तो तौल लिए, किंतु अभी तो बहुत सारे गोबर तौलने बाकी हैं। पर रामा, तू क्यों गोबर तौलेगा? अरे मैं नहीं तौलूंगा तो क्या तू तौलेगा? मैं नहीं, वो दोनों। सामने देख, वो किस दिन काम आएंगे। पांच सेर गोबर तो तौल लिए, किंतु अभी तो बहुत सारे गोबर तौलने बाकी हैं। मनी, ये समझ नहीं आ रहा है कि पंडित रामाकृष्ण को हो क्या गया है। ये गोबर क्यों तोल रहे हैं? चलकर पूछना पड़ेगा अब कौन सी बुद्धि लगा रहे हैं पंडित रामाकृष्ण को। पंडित रामाकृष्ण जी, मेरी बुद्धि पूछ रही है कि आप ये गोबर क्यों तोल रहे हैं। एक दो श्रमिक ढूंढ कर ले आओ, क्या है कि गोबर तौलने में मेरी सहायता हो जाएगी। हाँ हाँ पंडित रामकृष्ण जी, आपकी सहायता भी करवा देंगे, किंतु पहले ये तो बताइए कि ये गोबर तौलना ही क्यों है। बस यूँ समझ लो कि इन्हीं गोबर के माध्यम से मैं 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करने वाला हूँ। और हाँ, उन दोनों श्रमिकों से कहना कि पारिश्रमिक के तौर पर मैं उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं? 500 स्वर्ण मुद्राएं? पंडित रामकृष्ण जी, गोबर तोड़ने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं? पंडित रामकृष्ण जी, हम है ना, हम तोल देंगे। अच्छा, आप दोनों ही गोबर तोल दीजिए। देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ जितनी भी गौ माताएं हैं, सबके गोबर मैंने अलग अलग करके रख दिए। आप बस इन गोबर को तौल कर अलग अलग बोरियों में भरिए। बस पंडित रामकृष्ण जी, आप तनिक भी चिंता ना कीजिए। तो आरंभ कीजिए। ऑर्डर मनी, ऑर्डर ऑर्डर। ये वाला गोबर रखो। मनी, ठीक से तोलो। ये जैसा आप कहें पंडित रामकृष्ण, वैसा हम करेंगे। ला 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 धनी। अरे गधों, ये क्या कर रहे हो? क्या गुरुजी, आप देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो? पंडित रामकृष्ण जी गोबर तौल रहे हैं और हम उनकी सहायता कर रहे हैं गोबर तौलने में। परंतु क्यों? पंडित रामकृष्ण हमें इस कार्य के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं।
500 स्वर्ण मुद्राएं। हाँ हाँ 500 स्वर्ण मुद्राएं गुरुजी। अरे पंडित रामकृष्ण, ये क्या बेतुकी हरकत कर रहे हैं आप? क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगे ये गोबर क्यों तोड़ रहे हैं? नाना गुरुवर, इस विषय में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ऐसे कैसे नहीं बता सकते? ये गोबर तोड़ रहे हैं, कोई स्वर्ण नहीं तोड़ रहे। गुरुवर, मेरे लिए तो ये स्वर्ण ही है। पंडित रामकृष्ण, ये आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये आपको बताना ही होगा। बताइए बताइए, आप गोबर क्यों तोड़ रहे हैं? बताओ बताओ। देखिए एक रहस्य है, इसे रहस्य ही रहने दीजिए, समझे? अरे रुकिए तो सही। अरे अरे सुनिए तो सही। अरे देखिए तो सही। अरे बोलिए तो सही। धनी मनी शीघ्र करो, इतने सारे गोबर बचे हैं तोलने के लिए। शीघ्र तोलो, शीघ्र तोलो, हाँ शीघ्र तोलो। अरे पंडित रामकृष्ण, अरे 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 पंडित रामकृष्ण, अरे पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, देखिए आप हमारी सहन शक्ति की परीक्षा मत लीजिए। शीघ्र बताइए ये गोबर क्यों तोड़वा रहे हैं आप? गुरुवर, तनिक दूर होकर वार्तालाप कीजिए। क्यों जाएं हम दूर? हमारी गौशाला है, गौशाला पर हमारा नियंत्रण है, हम जहाँ चाहे वहाँ खड़े होकर वार्तालाप करेंगे। मैं आपसे पुनः विनती कर रहा हूँ कि आप तनिक दूर हो जाएं। नहीं होंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आप गोबर क्यों तुलवा रहे हैं। हम दूर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं होंगे? नहीं होंगे। पछताएंगे। अरे कहा था पछताएंगे, किंतु आप कहां किसी की सुनते हैं? अरे पंडित रामकृष्ण, सीधे से बता नहीं सकते थे? हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आयो देख लेंगे हम आपको। कथो छोड़ो ये सब, और जाओ जाकर पहरेदारी करो। अब आपको क्या पता गुरुवर कि मैं गोबर क्यों तौल रहा हूं? बस इतना समझ लीजिए कि यही गोबर यदि मैंने आपको नहीं बेचा तो मेरा नाम भी पंडित रामकृष्णा नहीं। क्या पंडित रामकृष्णा गोबर तौल रहे हैं? महाराज, हमें तो लगता है कि पंडित रामकृष्णा अर्धविक्षिप्त हो गए। तौल तो ऐसे रहे हैं जैसे गोबर बेचेंगे। गोबर बेचेंगे? महाराज, गोबर की ना तो सब्जी बनती है ना ही हलवा, तो फिर गोबर खरीदेगा कौन? महाराज, ना हम उन्हें इतनी कठिन चुनौती देते, ना वो अर्धविक्षिप्त होते। इससे पहले कि वो पूर्ण विक्षिप्त हो जाएं, कृपया करके आप उन्हें गौशाला से वापस बुला लीजिए। नहीं गुरुवर, वो पंडित रामकृष्णा है जो ऐसी चुनौतियों से ना तो विक्षिप्त होते हैं और ना ही विचलित। यदि वो शाही तराजू में गोबर तौल रहे हैं तो अवश्य ही इसके पीछे भी कोई रहस्य होगा। अब ये देखना अत्यंत रोचक होगा कि पंडित रामकृष्णा के विद्युत गति से दौड़ने वाले मस्तिष्क में इस बार कौन सी युक्ति आई है। कल की बोरियों की तौल थी 5 सेर, और जो आज गोबर तोला गया है उसकी बोरियों की तौल है 4 सेर। अर्थात कल गौ माताओं ने अधिक गोबर दिया था और आज कम। ऐसा कैसे हुआ पंडित रामकृष्ण जी? हम तो कुछ समझे ही नहीं। कि आपके कहने का तात्पर्य क्या है हमें बताइए। तात्पर्य ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। गौ माताओं के चारों में कुछ तो घोटाला किया जा रहा है। गौ माताओं को भरपेट भोजन भी नहीं दिया जा रहा। अब सोचो यदि ये बात महाराज को ज्ञात हो गई तो। और कल मैंने सारी बोरियां देखी थी जिसमें आधा चारा और आधी मिट्टी थी। मिट्टी थी?
मिट्टी। धनी मनी, मैंने पहले सोचा था कि मैं इस गोबर को बेचूंगा, किंतु अब नहीं, क्योंकि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि इन चारों में कुछ तो घोटाला किया जा रहा है, और ये घोटाला कौन कर रहा है उसे पकड़वा कर मैं महाराज से दंडित भी करवाऊंगा। क्या? हाँ गुरुजी, अब तो तैयारी कर लीजिए, इस घोटाले में कम से कम 5 वर्ष। 5 वर्ष नहीं मनी, कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिलेगा गुरुजी को। कथाओ, जब भी मुंह खोलोगे अशुभ ही उगलोगे। यदि हम बंदी ग्रह में जाएंगे तो तुम क्या नित्य ग्रह में जाओगे? तुम दोनों भी बंदी ग्रह में ही जाओगे, क्योंकि तुम दोनों भी इसमें सम्मिलित हो। गुरुजी, अब तो एक ही रास्ता बचा है कि हम तीनों विजयनगर से कहीं दूर भाग चलते हैं। हाँ गुरुजी, अब तक तो पंडित रामकृष्ण गोबर तोलने में लगे हुए थे, पर तो भेद खोलने में लगे हुए हैं। अब तो कारवास जाना पक्का। अब तक तो धनी मनी ने गुरुवर को सब कुछ बता दिया होगा, फिर वो अभी तक आए क्यों नहीं? से सभी बोरियों को गायब कर दो। जी गुरुजी। आओ। शिव 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 शिव, बाल बाल बच गए। ये नहीं बचा, ये भी नहीं बचा। हम भी पूरी तरह से तो नहीं बचे। गुरुवर, धन्यवाद धन्यवाद। आप ये बताइए कि इस प्रकार चोरी छिपे गौशाले में आने का क्या कारण है? हैं? अरे हम चोरी छिपे क्यों आएंगे? हम चोरी छुपाएंगे मतलब? अरे अभी तो आप पिछले दरवाजे से आए, इसका क्या कारण है? अरे पंडित रामकृष्ण, ये हमारी गौशाला है। आगे से आए, पीछे से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, धरती फाड़ कर आए, जैसे हमारी इच्छा होगी वैसे आए। ए धनी मनी। जी गुरुजी। चलो गोबर की बोरियां उठाओ। जी। ए धनी मनी, रखो गोबर की बोरियां। ए धनी मनी, गोबर की बोरियां उठाओ। ए धनी मनी, गोबर की बोरियां नीचे रखो। धनी मनी, गोबर की बोरियां उठाओ। धनी मनी, गोबर की बोरियां नीचे रखो। उठाओ, रखो, उठाओ, रखो, उठाओ, रखो। अरे पंडित रामकृष्ण, दूषित करके रखा है आपने। हम ये सब गोबर हटवा कर स्वच्छता करवा कर ही रहेंगे। स्वच्छता तो मैं भी करवाना चाहता हूँ गुरुवर, किंतु घोटाले की स्वच्छता। आपको ज्ञात नहीं है कि गौ माता के चारे में घोटाला किया जा रहा है, मिलावट की जा रही है? हाँ, क्योंकि आप इस गौशाले के नियंत्रक हैं, आपको तो ये ज्ञात होना अति आवश्यक है गुरुवर, कि कोई है जो आपके पीठ पीछे ये घोटाला कर रहा है। और आपको अर्थात उस घोटालेबाज को दंड भी मैं ही दिलवाऊंगा। हाँ, for more updates subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.